गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार आपको न्यूमेरिकल्स आता है, लॉज आते हैं, मतलब 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह वाली चीजें, है ना। तो जो टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो क्या क्या होंगे हमारे, सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रो केमिकल से। अब इलेक्ट्रो केमिकल सेल क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में सबसे पहले। और इलेक्ट्रो केमिकल सेल को ही आप देखोगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ देखेंगे गैल्वेनिक सेल, जस्ट वेट मुझे मार्कर चेंज कर लेंगे। ऑडियो क्लियर है सबको? क्लास 12th आवाज आ रहा है? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसकी हेल्प से पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल भी आपको इसी नाम से मिलेगा और वोल्टिक सेल भी आपको इसी नाम से वो देखे रखेंगे। तो ये तीनों एक ही चीज होती है, इसको हम डेनियल सेल के एग्जांपल की स्टडी से पढ़ेंगे। किसकी हेल्प से पढ़ेंगे हम इसको, डेनियल सेल के एग्जांपल की हेल्प से इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देन हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से न्यूमेरिकल आने के आपके चांसेस होंगे। नस्ट इक्वेशन फिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दो तरीके के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोर्शन यहां से यहां तक है। देन हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। अब ये टर्मिनोलॉजी कैसी होगी, जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे फिजिक्स के अंदर कि रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है ना, तो ऐसे ऐसे हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे फराडेज लॉ, और सबसे लास्ट में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलार्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन।
जी पहले सबको लिखा हुआ है ना। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ ये है। अच्छा एक टॉपिक में और बताना भूल गया, यहाँ पर हम एक और चीज करेंगे साथ में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है ना, उसी की हेल्प से हम सेल पोटेंशियल वगैरह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वगैरह निकालना सीखें। क्लियर है सबको क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं इस चैप्टर के? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देता हूँ आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोलार्स लॉ है, नस्ट इक्वेशन है ठीक है, और फराडेज लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बाकी टॉपिक में से इनके और में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लिया सबने? लगा लिया। तो आज के हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर बेस्ड है ना, इंट्रोडक्शन है हमारे चैप्टर का, जिसमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है ठीक है। सो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले समझते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है यहां पर, पहली चीज है इलेक्ट्रो और दूसरी चीज क्या है, केमिस्ट्री ठीक। अब इलेक्ट्रो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रो यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रो यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिस्ट्री यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल एनर्जी। केमिस्ट्री यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल किसी केमिकल रिएक्शन होगी तो हीट निकलेगी या क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, क्या होगा चेंज, क्या होगा एनर्जी के अंदर वो है ना। केमिस्ट्री यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल रिएक्शन और केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ये सीखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना सकते हैं, मतलब कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से ऐसी रिएक्शन करा सकते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं है ना। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात हो रही है, जैसे अपने घर में खाना बनता है तो वो कैसी रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप इंग्रेडिएंट्स को मिला के रखते हो और अपना कुछ देर बाद वो बन के तैयार हो जाता है, उसको एनर्जी देना पड़ता है ना, देते हो कि नहीं देते हो एनर्जी, हीट करते हो उसको है ना। तो अगर आप इंडक्शन वाला चूल्हा यूज कर रहे हो है ना, इंडक्शन वाला गैस यूज कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा रहे हो। लिख लो यहां पर, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ठीक। और आपने एक बहुत कॉमन एग्जांपल देखा होगा घर में, जो टीवी का रिमोट होता है उसमें यूज होने वाला सेल या घड़ी के अंदर यूज होने वाला सेल, उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक चीज बताओ, घड़ी के सेल की रिएक्शन चालू कराने के लिए क्या घड़ी की सेल को पहले हीट करना पड़ता है कि अपने आप रिएक्शन होती रहती है उसके अंदर, है ना। तो अपने आप होती तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या सीखेंगे, कैसे हम किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी
या कैसे हम किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है सबको? डेफिनेशन लिखे इसकी, तो डेफिनेशन लिख देते हैं। तो लिखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ दी स्टडी ऑफ रिलेशन शिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, या कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, है ना। इस चीज के बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेसिक आइडिया सबको हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। लिख लिया सबने? अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल से, तो हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल से, नोट्स बनाते चलिए साथ में। इलेक्ट्रो केमिकल एक बहुत बेसिक एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, अपने घर में जो टीवी का रिमोट होता है उसमें जो सेल होता है वो कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपकी जो घड़ी होती है उसके अंदर जो सेल होता है वो कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता है क्या, कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यहां पर हम दो एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक केमिकल एनर्जी और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कर रहा है, कौन बताया था बताओ जल्दी। देखो उल्टा बोल रहे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, केमिकल एनर्जी को। एक चीज बताओ, रिमोट वाला जो सेल देखते हो उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। रिमोट का जो सेल होता है कभी आपने उसको खोलकर देखो तो उसके अंदर केमिकल होता है, और जो हम रिमोट चलाते हैं किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी पर। मतलब केमिकल एनर्जी को डिवाइस किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। छोटी सी चीज तो लिखो, डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पे मैं वर्ड क्या सा यूज कर रहा हूं, स्पॉन्टेनियस, ऐसी रिएक्शन जो नेचर में अपने आप होती है। तो सेल के अंदर जो केमिकल रहता है उसकी रिएक्शन अपने आप चलती है, आपको अलग से उसको पुश करने की जरूरत नहीं होती कि आप हीट करो या कुछ सप्लाई करो, है ना। तो डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोकेमिकल से। और कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के? बाइक कार वगैरह में क्या होती है? बैटरी होती है बाइक और कार वगैरह में, तो किसका एग्जांपल है? बैटरीज किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो वर्किंग आइडिया है कि कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आइडिया आया तो कहां से और किस तरह से उसको मतलब अप्लाई करा गया, अप्लीकेबल करा गया, है ना। तो उसको समझने के लिए हम एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बेसिक सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तो पहला उसको देखो, मैंने क्या लिया? बीकर लिया। केमिस्ट्री लैब में बीकर सबने देखा है ना, ठीक। तो एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने क्या डाला? एक मेटल की इलेक्ट्रोड। अब मेटल की इलेक्ट्रोड मतलब सिंपल सा मेटल की क्या डाली हमने? रॉड। रॉड तो समझते हो ना, पतली सी डंडी। तो हमने मेटल की इलेक्ट्रोड किसके अंदर डाल दी? बीकर के अंदर। चलो जो मेटल हमने लिया है, है ना, जो मेटल हमने यहां पर लिया है वो कौन सा है? जिंक मेटल। कौन सा मेटल लिया है? ये इलेक्ट्रोड किसकी है? जिंक मेटल की। और जो सॉल्यूशन हम यहां पे ले रहे हैं वो सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का, है ना। अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी हमने क्या करा? सॉल्यूशन चेंज कर दिया कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया तो कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में ब्रेक होगा? सबको पता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये Cu2+ और SO42- के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब इस सॉल्यूशन में Cu2+ भी प्रेजेंट होगा और SO42- भी प्रेजेंट होगा। इतना क्लियर है सबको? अब देखो क्लास 10th में आप ना मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो, तो उसमें आप क्या देखते हो कि जिंक ऊपर होता है किससे? कॉपर से। मतलब जिंक क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। और यहां पे जिंक की टेंडेंसी क्या होगी सॉल्यूशन के फेस के साथ में? टेंडेंसी क्या होगी जिंक की? टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो यहां पे जो जिंक के एटम होंगे, ध्यान से सुनना, यहां पर जो जिंक के एटम होंगे उन्होंने क्या करा? Zn2+ बनाया और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ठीक। Zn2+ बनाया और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, मतलब जिंक की रॉड सॉलिड थी, उसमें से एक एटम बाहर आया, उसने Zn2+ बनाया, सॉल्यूशन में चले गया और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ठीक है। अब जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन को कौन देखेंगे? Cu2+ के पार्टिकल देखेंगे, है ना। Cu2+ आयन देखेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को देख के Cu2+ आयन इसको क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, क्या बना लेगा? कॉपर सॉलिड। याद करो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा, क्लास 10th में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी आपने, क्या थी? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो हम क्या बोलते थे? जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो जिंक कॉपर को उसके सॉल्यूशन से बाहर कर देगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक। ये रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, बाद में 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन, है ना। तो ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, ठीक।
अब देखो यहाँ पे जो बीकर में कॉपर सॉलिड बना है तो कॉपर का कलर कैसा होता है, तांबे का कलर कैसा होता है, आपने देखा होगा ब्राउन कलर का होता है, देखा है ना सबने। तो वो यहां पर गमने लगा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जब ऑब्जर्वेशन करी गई कि ये रिएक्शन हुई तो क्या क्या चेंज हुआ, तो सबसे पहला चेंज हमने क्या देखा कि ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड थी इसका साइज क्या हो गया, कुछ जो सॉल्यूशन में पोर्शन था वो क्या हो गया, पतला हो गया। उसके पीछे का कोई रीजन दे सकता है? अरे जिंक का एटम इलेक्ट्रोड से निकलकर सॉल्यूशन में चला गया तो रॉड क्या हो रही, मोटी होती जाएगी कि पतली होती जाएगी, समझ में आया सबको, जल्दी बताओ। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस। अदिति महक समझ में आया सबको, चलो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रोड कम होने लगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि देखो यहां पर जो Cu2+ था सॉल्यूशन के अंदर वो कॉपर सॉलिड बना रहा है और रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनाकर कहां पर सेटल होते जा रहा है, बीकर में। तो क्या मिल रहा है हमको, रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि जैसे ही मैं इस बीकर को हाथ लगाऊंगा तो इस बीकर के अंदर क्या पाऊंगा मैं कि बीकर क्या हो गया, गर्म हो गया, मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब अगर यहां पर मैंने रिएक्शन चालू होने के पहले थर्मोमीटर आदि लगा रखा था तो शुरू में थर्मोमीटर में रीडिंग थी 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक रूम टेम्परेचर। जैसे मैंने मेटल की इलेक्ट्रोड डाली तो टेम्परेचर पहुंच गया 70 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर में क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर विल राइज। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इसका मतलब देखो हमने क्लास 10th में क्लास 9th में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को ना ही बढ़ाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। तो यहां पर केमिकल चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज, और इसी केमिकल चेंज से निकलने वाली एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, टेम्परेचर बढ़ा मतलब कौन सी एनर्जी बाहर निकल रही, हीट एनर्जी। मतलब इस अरेंजमेंट में हमने क्या करा, एक सिंगल बीकर के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन करवाया तो हमने क्या पाया कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई, हमने ये पाया केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी, जल्दी से बता दो, हीट एनर्जी है ना। देखो टेम्परेचर बढ़ गया मतलब केमिकल एनर्जी किसमें बदल गई, हीट एनर्जी। तो हमारा पर्पस तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कुछ अलग था, हमारी क्या उम्मीद थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे, है ना। तो इसके लिए अगर हमको करना है केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हमको सेटअप तो ऐसे ही कुछ कुछ रखना पड़ेगा पर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वो मॉडिफिकेशन क्या करा गया और उसी मॉडिफिकेशन को हम डेनियल सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, वॉल्टिक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इन सभी सेल को हम डेनियल सेल की एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसको लिख लिया है आप लोगों ने, इसके अंदर क्या हुआ सारी कहानी समझ में आ गई आपको। जल्दी से अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें।